Good morning students, in the previous video we have completed 20 questions of exercise 26D. Okay, today we will complete our exercise from question number 21 to question number 31. Okay students, this is the last exercise of the chapter 6, so we will complete our chapter today. Okay, from tomorrow or from next video we will start the new chapter. Okay students, so let's start question number 21. X square minus 3x plus 7 मल्टीप्लाइड विद 2x plus 3. ठीक है, इसकी हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है पूरे कंप्लीट पार्ट को एक बारी, फर्स्ट उससे फिर कंप्लीट को सेकंड से. तो कैसे करेंगे, x square minus 3x plus 7 मल्टीप्लाइड विद 2x plus x square minus 3x plus 7 मल्टीप्लाइड विद 3. तो 2x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x माइनस 3x मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई 2x. 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3. इट इज़ 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 21. यहाँ से देखो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, x क्यूब की सिंगल टर्म है तो एज इट इज़ 2x क्यूब. उसके बाद माइनस 6x स्क्वायर की एक टर्म ये है, एक ये है, इट इज़ माइनस 3x स्क्वायर. दिस इज़ 14x, दिस इज़ माइनस 9x, दिस विल बिकम 5x एंड प्लस 21. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. स्टेटमेंट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस 2. ओके स्टूडेंट्स, तो वही कंप्लीट को फर्स्ट सिंगल टर्म से फिर कंप्लीट को सेकेंड टर्म से. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड विद 2. सेपरेट करके लिखेंगे अब इनको, एक्स स्क्वायर इसके साथ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर. 2x square minus 5x multiply 2 plus 8 multiply 2. x square, x raised to the power 4 minus 5x cube plus 8x square plus 2x square minus 10x plus 16. Okay students, first step एक थोड़ा सा clear होना चाहिए कि किसको कैसे multiply करेंगे, उसके बाद तो simple multiplication है जो इससे ऊपर वाले जितने भी question थे या इससे जो पीछे वाली एक्सरसाइज थी, फिर तो सिंगल सिंगल टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी. ठीक है, और माइनस और प्लस साइन का स्पेशली ध्यान रखना. ठीक है, कि कहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा. ठीक है, दिस इज एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स क्यूब की भी सिंगल पावर है तो ये माइनस 5x क्यूब, एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, दिस इज 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16. दिस इज द फाइनल रिजल्ट, x raised to the power 4 minus 5x cube plus 10x square minus 10x plus 16. Okay students, next simplify, we have to simplify question number 27 to 31, we have to simplify. Now we will solve question number 30. We have given 2x plus 5y multiply 3x plus 4y minus 7x plus 3y multiplied with 2x plus y. Okay students, binomial and binomial,
अगेन बाइनोमियल एंड बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट करते हैं, पहले क्या करेंगे वही एक कंप्लीट टर्म, सॉरी पूरे बाइनोमियल को एक सिंगल टर्म के साथ, फिर सेकेंड टर्म के साथ 2x प्लस 5y मल्टीप्लाइड विथ 3x, उसके बाद दोनों का प्लस है तो प्लस साइन, 2x प्लस 5y मल्टीप्लाइड विथ 4y ब्रैकेट के अंदर। अब नेक्स्ट देखो 7x प्लस 3y, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 2x के साथ, आफ्टर दैट 7x प्लस 3y इसकी मल्टीप्लिकेशन y के साथ, कंप्लीट ब्रैकेट क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिखा है तो इनको दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब अलग अलग सॉल्व करते हैं, इसके साथ क्या आएगा 2x मल्टीप्लाइड विथ 3x प्लस 5y मल्टीप्लाइड विथ 3x प्लस 2x विथ 4y प्लस 5y विथ 4y। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 7x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई 2x प्लस 7x मल्टीप्लाई y प्लस 3y मल्टीप्लाइड विथ y। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 3x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 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 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 एक्स स्क्वायर, दिस इज 15 एक्स वाई, इट इज 8 एक्स वाई प्लस 20 वाई स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई प्लस 7 एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, यहाँ देखो xy की दो टर्म है, बाकी सिंगल सिंगल टर्म है, तो ये ऐड हो जाएंगी 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 8 23xy प्लस 20y स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, 6 प्लस 7 इज 13xy प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, अब हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 23xy प्लस 20y स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 13xy माइनस 3y स्क्वायर। तो अब देखो x स्क्वायर की यहाँ टर्म है, यहाँ है माइनस 14 में से, माइनस 14 और प्लस 6 है तो माइनस करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर, 23 और 13 इट इज 10xy, 20 माइनस 3 17y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आंसर इज माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 17y स्क्वायर। क्लियर है सबको? नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ओके, विद द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 6 इज कंप्लीटेड, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।